माता दी, जय माता दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गाड़ी में शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की, क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। राघव है, मम्मी पापा भी है, मम्मी भी है। और अगर आपको मेरी गेटअप का आउटफिट का गेट रेडी विद मी देखना है तो वो अपलोड हो गया होगा, तो आप वो देख लीजिएगा और उसको लाइक करना, शेयर करना। हमें निकलना था उज्जैन, पर हम डीजल डलवा के फिर घर वापस आ गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहीं निकलें और कुछ ना कुछ एक आध दो चीज नहीं छूटे आपसे घर पे, तो हम वही आए घर वापस लेने। ये रहा घर, ये रही मम्मी, राघव और पापा गए ऊपर सामान लेने, जो भी उनका दो तीन चीजें छूट गई थी। फिर अब हम निकलेंगे उज्जैन, अब पक्का निकलेंगे उज्जैन। हाँ, तो इसके बाद हम फाइनली निकले उज्जैन, बाबा महाकाल से मिल गए। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं जितनी मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, उससे ज्यादा मेरी ये हालत होती है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ मुझे सबसे पहले नींद आती है। तो चलिए कोई ना, हम सोते हैं, तब तक आप जरा बादल एंजॉय करिए। साढ़े तीन घंटे ट्रैवल करने के बाद उज्जैन से बस 6 किलोमीटर दूर थे। प्रसाद भी ले लिया है, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। हमने गाड़ी लगा दी है और पता नहीं, हमने शायद मेन पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाई। ये कहाँ से जा रहा है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से। सबसे पहले आए हैं हम भारत माता मंदिर। ये रहा राघव, इधर देखो, ये रही मम्मी। निर्मल भैया ने भी हमें ज्वाइन किया था। ये रूही, रूही हाय बोलो। हाय, वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। हम जब पिछले बार आए थे उज्जैन तो ये मंदिर छूट गया था, तो इस बार सबसे पहले यहीं से शुरुआत हो रही है। पूरा भारत का मैप बना है, घर देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है ये। जय माता दी, जय माता दी। चर्च देख के, ऐसे मंदिर देख के इतना प्राउड होता है कि आप इंडिया में रहते हैं। माता के दर्शन कर लिए, प्रोबेबली अब महाकालेश्वर जाएंगे, दर्शन करेंगे बाबा के। हम इधर आ गए हैं, रास्ते में दुकान में भी रुके हैं और पापा कह रहे हैं पहले दर्शन कर लो फिर लेंगे जो भी लेना है। टीका लगवा रहे हैं,
फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। मम्मी पापा पर लग गया रागा बचा रोही बची है। ऐसे बाल ऊपर करो बाल। इन्हें देखिए क्या लिया आपने, क्या लिया? अरे वाह, हम सबको तिलक लग गया, बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है लगा के इसको। अब बस मंदिर के पहुंचने वाले, बस मंदिर के सामने ही खड़े बिल्कुल। आ गया है महाकाल मंदिर का मार्ग पहुंचने का। अब लाइन में लग रहे हैं और लाइन में नहीं, मंदिर में फोन अलाउ नहीं है, तो आप फोन रख दे रहे हैं। अब दर्शन करते हैं, फिर घर पे चलते हैं बाबा के दर्शन करने। एक मोमेंट पे जाके कैमरा रखने को बोलेंगे तो कैमरा रख दूंगी, तब तक जब तक अभी अलाउड है तब तक कर लेते हैं। हाँ, ये रहे पापा। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ, जय महाकाल चाचा। रूही, जय महाकाल का लो। आज कंपैरेटिवली लोग बता रहे थे कि ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज 11 है, तो 11 पे सब चाहते हैं कि बाबा के दर्शन हो। अब बस जय हो, बस अब इसके बाद वही दर्शन कर सकता है जो आए यहाँ तक। थोड़ी परेशानी उठा के बाबा से मिलने आए, तो हम जाते दर्शन करने। जय हो, जय हो, जय हो। आ गए, बहुत लंबी लाइन है, इस लाइन को पार करके जाएंगे और बाबा से मिलेंगे। बस इसके बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगी। मैं अभी लाइन छोड़ के आई हूँ मोबाइल जमा करने, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है माहौल। देखिए मोबाइल के लॉकर्स बन गए, यहाँ पूरे मोबाइल लॉक करे जाएंगे, आपको एक सेफ केस दिया जाएगा। करेंटली 6 बज रहे हैं, दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैंने पर्सनली एक एक्सपीरियंस करी चीज़ कि क्या बोलते हैं, कैमरा नहीं ले जाने दे रहे हैं। वो सच बात है कि कैमरा बिल्कुल भी नहीं ले जाने दे रहे, पर हम पिछली बार आए थे तो कैमरे की कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं थी। पर इस बार मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि क्या बोलते हैं, अगर कैमरा नहीं ले जाने दे रहे हैं तो दर्शन बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से हो रहे हैं और सबको इंडिविजुअली बहुत टाइम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। हमारे दर्शन हो गए हैं हम सब, ये हमको लग गई है। और रूही, तुम्हारा वो खिलौना कहाँ है? उलझा दिया ना हमने, हैं? लग गई है तो सबसे पहले बैंडेज ढूंढते हैं, बैंडेज लगाते हैं, फिर से दर्शन के लिए निकलते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। साइज कितने में है? बहुत बड़ा, बहुत छोटा। हाँ वो है, वो भैया ने तो हाथ में पकड़ा था, ये होगा साइज, होगा छोटा या तो एक्सट्रीम बड़े या छोटे हैं। तुमको लेना है कुछ? क्यों ऐसे आएंगे? चलो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? काल भैरव मंदिर, फिर उसके बाद वहाँ यहाँ वापस आएंगे क्योंकि महाकाल लोक की लाइटें जल जाएंगी तो अच्छा अच्छा लगेगा, तो वो देखेंगे। और फिर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, घर जाएंगे। ओके, पापा वहाँ से चल के आ रहे हैं, राघव अंकल, राघव चाचा इधर वेट कर रहे हैं, मम्मी इधर वेट कर रही है, मैं इधर वेट कर रही हूँ, पापा धीमे 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 आ रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी लगी थी, फिर दूसरे मंदिर जाएंगे। बाय रूही, रूही इधर इधर, बाय बाय। हमें मिल गई है बैंडेज, राघव ले आया है, अब लगाते हैं। बैंडेज लगा लिए, गाड़ी अभी निकल नहीं पा रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हैं। और रूही अब चली गई है क्योंकि उसको इंदौर जाना था, उन लोग को तो उन्हें दर्शन किए उसके बाद चले गए। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग।
काल भैरव मंदिर पहुंच गए, ये लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। अब हम लाइन में लग गए हैं। जय मैगी जैसी लाइन है पूरी। अब वो रहे बाबा, ये मन्नत के धागे हैं लोगों के, जो बहुत प्रेम से बांधे हैं लोगों ने बाबा पे भरोसा करके। भगवान करे सबके बाबा मन्नत पूरी कर दे, सबकी इच्छा पूरी हो। ये देखिए पूरे धागे हैं पूरे। हियर वी आर। पहले चप्पल जूते उतार देते हैं, फिर चलते हैं काल भैरव मंदिर। लो रख दो रख दो, ये बैंडेज खुल गए मम्मी, लगा ली बैंडेज, अब लाइन में लगते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। कितनी मन्नत है मम्मी, कितनी यार मन्नत है। नहीं मन्नत है, हाँ मतलब मन्नतों के धागे, मतलब लोगों का विश्वास देखो, विश्वास कितना है। इसलिए चलो 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 चलो, कितनी ज्यादा लाइन है ना। अपन का अप्रॉक्स उधर माँ का भी लगे थे ना, 15-20 मिनट लगे थे। जय हो जय हो, आ गए। पापा चाचा को वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। चाचा मौसी देखिए दीपक जल चुके हैं और कितनी भीड़ है, कितनी भाई बहुत भीड़ है इधर आज। स्पेशली 11 भी है तो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा भीड़ रहती है उज्जैन में। ये देखिए वाव, हम लाइन में रुक गए हैं, बहुत भीड़ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लाइन। पहुंच गए, अच्छे दर्शन हुए। ये देखिए इतनी हवा चलती है, पर ये जो दिए हैं वो बिल्कुल भी ऐसे कॉन्स्टेंटली जलते रहते हैं। अब हम जाएंगे खाने पीने, उसके बाद महाकाल लोग जाएंगे, फिर घर जाएंगे। अपना 2 बजे और तब मैं मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी, वो इतनी भूख लग रही थी मैं हालत के कारण गई नहीं। खाना खाया फिर गाड़ी में आए। अब हम निकल रहे हैं काल भैरव मंदिर से। अब हम रुके फुल्की खाने। हमें जाना है महाकाल लोक, पर आपको मैं दिखाती हूँ इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतना ट्रैफिक हो रहा है करेंटली। ये देखिए ट्रैफिक। अब आए हैं महाकाल लोग घूमने। जब महाकालेश्वर आए थे तभी हम घूम सकते थे, पर इसलिए नहीं घूमे क्योंकि शाम को महालोक की लाइटें जलती हैं और वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में, तो हम उधर ही जा रहे हैं। देखिए कितनी भव्य प्रतिमा है शिव जी की। और यहाँ एंटर होते हुए हम आपको इस लोक में सारे देवी देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ देखने मिलेगी, और जो कि मतलब आउटस्टैंडिंग है, आप लोग को दिखाते। ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा। और इवन ना आपको कैमरा में बहुत छोटी दिख रही होंगी, मतलब जितनी कंपैरेटिवली है उतनी बड़ी नहीं दिख रही होंगी, पर रियल में वो बहुत बड़ी प्रतिमा है। और साइन बोर्ड भी लगे हैं, और देखिए उस डायरेक्शन में बहुत लंबी लाइन है और इस डायरेक्शन में बहुत लंबा क्यू टाइप है। और आप भीड़ देखिए, करेंटली 8:52 हो रहे हैं, तभी भीड़ देखिएगा। ये कब बना है? अभी अभी कभी कल बना था। कल ही बना है, कल चुप रहे। कब बना है मतलब रिसेंटली 1-2 साल के अंदर बना है सर? अभी 6 महीने के अंदर बनाया, 1 साल भी नहीं, 1 साल ऐसा करीबन बना ही है, अभी अभी बना है। देखिए शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है।
नहीं ले लो या मम्मी पापा अपनी फोटो खींच रहे। ओहो ओहो, ये शॉप्स भी हैं इधर नीचे ऊपर, ये सब मेरे को लगता है, मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली चालू हुआ है तो अभी मार्केट इधर जमेगा, लोग दुकानें खोलेंगे, इधर प्रॉपर एक मार्केट टाइप बनेगा। देखिए माता रानी की प्रतिमा कितनी सुंदर सुंदर, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कितनी मेहनत लगती होगी लोगों को ये करने में, ये इतनी अच्छी अच्छी कलाएं करने में। और 6 मंथ्स के रिसेंटली बना, तो अगर आप 6 महीने या थोड़े मतलब थोड़े टाइम ही पहले बनाए तो आप अगर अभी उज्जैन नहीं आए ये देखने तो जरूर विजिट करिए, बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप ऐसे भी घूम सकते हैं अगर आपको घूमना हो तो, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते, पैदल थक गए इच्छा नहीं है तो ये आप गाड़ी से भी घूम सकते हैं। ये देखिए आप, वाह यार वाह, सचमुच कितना एफर्ट्स डालते होंगे लोग, इतनी प्यारी। यू गाइस कैन सी द डिटेल्स डन हियर, वाह यार ये देखिए आप कितनी प्यारी डिटेल्स करी हूँ, आप खुद सोचिए ऐसे कितना टाइम लगा होगा बनाने में। ये पता कार हुआ है, कार्व तो हुआ है, और मेरे को ऐसा लग रहा है एक स्टोरी डिपेक्ट करने की कोशिश करी हो, है ना, एक स्टोरी डिपेक्ट करी हो हर उसमें, क्योंकि देखो नंबर्स भी हैं 47, 48 फिर से सिमिलरली, मतलब हर एक कार्व करिए स्क्रीन सॉरी इमेज टाइप, ये एक डिपेक्ट कर रही है स्टोरी, मुझे लग रहा है कंटिन्यूस स्टोरी वो क्या बोल सकते हैं एक्सप्लेन कर रही है मे बी। ये देखिए हर वॉल पे ऐसा सीरियल नंबर 45, 46, हम उल्टा जा रहे हैं अभी, बट ऐसे सीरियल नंबर है, और सीरियल नंबर मीन्स ये कुछ ना कुछ तो स्टोरी नरेट कर रही होगी आई गेस। इसको घूमने में मेरे हिसाब से 1 घंटा लग जाएगा, मैं समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने जब बनाया होगा, आर्टिस्ट लोगों ने, तो मतलब कितनी देर लगी होगी ऐसे, कितने पेशेंस से बनाया होगा उन्हें, कितने प्यार से बनाया होगा, हार्ट ऑफ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें देखिए ना बहुत दिल कि हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी कलाएँ हैं और कितने प्यार से उन्हें इस चीज़ को सजाया है, इस चीज़ को फील करके बनाया है, सचमुच इमोशंस, लोगों के इमोशंस, मेहनत, एफर्ट्स लगते हैं ऐसी चीज़ों में, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी प्यारी चीज़ हमारे उज्जैन में है, हमारे इंडिया में है। अगर पता मम्मी सुनो तो मम्मी, अगर स्टोरी समझनी है ना सचमुच बहुत टाइम लगेगा, और 1 घंटा में आप भाग भाग के कवर कर सकते हो सिर्फ 1 घंटा। हाँ, और अगर आपको ये सीरियल नंबर वाइज समझ नहीं है कि इसके बाद क्या तो पता नहीं सकता, 2-4 दिन 2-4 दिन लग जाएंगे, मतलब अच्छा लग रहा है ना देख के। और सचमुच तुम कह रही ना लाइट के बाद और थोड़ा लाइट से ज़्यादा और अच्छा लग रहा है। हालत हो गई यार, अब जो मैं चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको वो चेकआउट करें, ये देखें फ्रंट, हाँ चलो फ्रंट से दिखाते हैं आपको, कितना ठंडा लग रहा है ना सर, तो आप सामने से देखें, वाह वाह वाह, भोलेनाथ की जय, और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना क्योंकि प्रॉपर, हाँ पीछे रखा है, हाँ तो क्या बोलते हैं, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना क्योंकि प्रॉपर ये हवा के फव्वारे चल रहे हैं, तो इस वजह से जो उसकी हवा सी है ना वो आ रही, बहुत सही लग रहा है यार, मुझे लगता है यही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ का, है ना, इतने ड्रामे हैं इस लड़के के, नहीं पर यही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इधर का, महालोक का, महाकाल लोक का, बहुत खूबसूरत जगह है, जरूर आइएगा आप सब। हम पहली बार आए थे यहाँ घूमने तो पापा से पूछते कैसा लगा घूम के यहाँ, ये पहले तो महाकाल की जय हम सब सारे बोलेंगे, और आज हमारा सौभाग्य रहा कि आज हम यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा ने हमें बुलाया, सबको बुलाया, और इससे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी बेटी जैसे सुझाव का उनका जो चैनल चल रहा है बहुत ही बढ़िया चैनल है, जिसमें ये हर चीज़ की कवरेज करती है, उनसे बड़ा मन मेरा प्रसन्न होता है, धन्यवाद, ये काफ़ी मेहनती लड़की है, आज्ञाकारी लड़की है, धन्यवाद, बहुत ही माने जो भी काम करती हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते हैं, धन्यवाद। आज मैं आया हूँ, उनकी मम्मी जी आई हैं, इनका छोटा भाई राघव आया है, और स्वयं हम यशस्वी जी के साथ हैं, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है, आज बहुत ही आनंद है मन महाकाल की नगरी में आके, और एक बार पुनः बोले जय श्री महाकाल की। और एक बात और बता दो, जितना हमारे पापा बोलते हैं उतना ही हमारी मम्मी नहीं बोलती है, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या बोलो हम तो आ जाए थे
दर्शन करने कार गए थे और बाबा महाकाल की कृपा हो गई, महाकाल लोग के दर्शन हो गए। जी मैं नहीं करूंगा, इनका कोई रिव्यू नहीं चाहिए हमें, धन्यवाद। तूने जो भी प्रतिमा, उस सब प्रतिमाओं के नीचे ये नाम दिख जाएंगे डिटेल के लिए, सब हिस्ट्री उनकी सब दिख जाएगी। और इसी के साथ मेरे हिसाब से खत्म होता है महाकाल लोक, ऑलमोस्ट खत्म होता है मेरे हिसाब से। देखिए जो ये गेट है ना, ये मेन एंट्रेंस का गेट है महाकाल लोक का। और हम इसलिए उल्टे आए हैं क्योंकि आज एक नेता आने वाले थे उज्जैन में, तो उस वजह से शायद वो ब्रिज बंद थी या कुछ तो ट्रैफिक का इशू था, तो हम इसलिए उल्टे आए थे। जो भारत माता का मंदिर है उस डायरेक्शन से आए थे, तो आपको वो गेट मैंने इसलिए दिखाया कि आप जब भी आए उज्जैन तो वो ब्रिज चढ़ के आए तो वो मेन गेट से एंट्री हो जाएगी, ताकि शायद आप वॉल के जो सीरीज है, वॉल की हर जो क्राफ्टिक वॉल पे जो भी नक्काशियाँ हुई हैं शायद आप अच्छे इजीली समझ पाओ। तो अगर सीधे सीधे आएंगे तो हर सीरीज के वाइज समझ पाएंगे चीज़ों को, तो वो और इजी होगा, और शायद आप समझ पाओ, मैं तो नहीं समझ पाई भाई ना। ये आपको देखना चाहिए कि देखिए मेंटेनेंस कितना मुश्किल होता है, वो सब सारी मूर्तियाँ डेली क्लीन करते होंगे, डेली उसके जाले हटाते होंगे, तो सच मतलब अपना काम करने के बाद भी इतने साल ऑलरेडी इसे बनाने में लगे होंगे, प्लस अब ये डेली करना पड़ता होगा। अच्छा इतना अच्छा डेली कर रहे हैं आप, क्लीन रख रहे हैं चीज़ों को, तो आप भी आए इधर तो ध्यान रखें कि आप भी गंदगी ना फैलाएं अपने साइड से, और कोशिश करें कि जितना साफ रख सकें इस प्लेस को उतना रखें। ब्यूटिफुल ये आवाज़ आप सुन सकते होंगे, ये मंदिर से आ रही है, लोग जो दर्शन कर रहे हैं मंदिर में नीचे। अब हमारा महाकाल लोक हमने पूरा घूम लिया, अब भोले 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 आप सुन सक रहे होंगे है ना, तो अब हम हमारा हो गया, ये हमारा हो गया महाकाल लोक पूरा हमने घूम लिया। अब हम घर से अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे फिर भोपाल निकलेंगे। हम निकल आए थे उज्जैन से, वो उज्जैन से निकल आए हैं भोपाल हाईवे के लिए, और हम खाने के लिए रुके हैं, उसके बाद हम आए शिवाय रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। मम्मी दुपट्टा नीचे, तो हमारी दाल तड़का आ गई, भिंडी फ्राई आ गई, हमें इनने 5 प्लेट दी, ऐसा लग रहा है दीदी को भी गिन लिया। खाना हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर की ओर, और इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत यम्मी था, बहुत अच्छा था, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं स्पेशली भोपाल से, तो इस रास्ते में ज़रूर इधर लंच या डिनर करिए, आई एम श्योर आप निराश नहीं होंगे, बहुत अच्छा खाना था। अगर पीछे आ रहा है, अब हम घर जाते हैं। तो करेंटली कितने हो रहे हैं, कितने बजे, 11:30 हो रहे हैं, मे बी 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम अप्रॉक्स 2:30 तक भोपाल पहुंच गए थे, घर पहुंच गए थे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप सबको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।